हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 ऑफ द स्टडी मटेरियल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब इस इलस्ट्रेशन में हमें क्या दे रखा है, तो अब हमें रेक्टिफाई करना है इन सारी चीज़ों को। तो अब सबसे हम पहले इस फर्स्ट स्टेटमेंट समझते हैं। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपी 100 रिटन बाय मिस्टर शर्मा वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफिसर अकाउंट। तो अब ये सिंपल क्या है, सेल रिटर्न है, ठीक है। तो सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है, तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले सेल की क्या एंट्री होती है। सेल की एंट्री होती है डेबिट द रिसीवर। तो लेट सपोज मिस्टर शर्मा रिसीवर थे, है ना, तो डेबिट मिस्टर शर्मा एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन, मतलब सेल को हमने क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री क्या हुई थी, मिस्टर शर्मा टू सेल्स। अब लेकिन मान लो सेल रिटर्न हो गई, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा। मतलब एंट्री क्या होनी चाहिए, जो होनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो ट्रायल बैलेंस में जो इफेक्ट आना चाहिए ना, वो आना चाहिए सेल रिटर्न, है ना, टू मिस्टर शर्मा, ठीक है, टू मिस्टर शर्मा, है ना, ये होना चाहिए जो इफेक्ट आना चाहिए ट्रायल बैलेंस में, इसकी वजह से जो इफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। लेकिन एंड पोस्टेड टू द, अब अपन इस एडजस्टमेंट को हम लेट सपोज उसी एक्सेल शीट में कॉपी कर लेते हैं जहाँ से अब हमें ये सॉल्व करना है। तो जैसे कि अब मिस्टर शर्मा वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड डेट फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, ना, तो अब ये कितने रुपीज का है, जैसे 100 रुपीज की एंट्री है ना, तो ये अगर मैं जैसे 100 रुपीज़, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, 100 रुपए की सेल रिटर्न पोस्ट होना चाहिए था और ये 100 रुपए का पोस्ट होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, एक्चुअल में क्या हुआ, मिस्टर शर्मा एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक। अब मतलब ये गलती से क्या हुआ, सेल्स डे बुक में एंटर हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेल रिटर्न नहीं पोस्ट हुई, मतलब ये नहीं पोस्ट हुआ सेल्स बुक, मतलब ये क्या हो गई, सेल्स बुक हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेल बुक हो गई ये, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये तो सेल है, ये तो आपने क्या किया, इसे 100 रुपए सेल मान लिया, जबकि ये एंट्री होनी क्या चाहिए थी, सेल रिटर्न थी। मतलब हुआ क्या, आपने इसे सेल मान लिया, ठीक है। लेकिन आपने जो मिस्टर शर्मा वर एंटर्ड इन द गुड्स ऑफ रुपी वैल्यू ऑफ रुपी दिस, है ना, रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा, ठीक है, वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक, मतलब इसे आपने सेल मान लिया, और जो एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफिसर अकाउंट, लेकिन मिस्टर शर्मा को आपने क्रेडिट ही दिया, तो मतलब आपने एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, मिस्टर शर्मा को क्रेडिट ही होना चाहिए था उसका अकाउंट, क्योंकि 100 रुपए से क्रेडिट होना चाहिए था और सेल रिटर्न डेबिट होनी चाहिए थी 100 रुपए से। लेकिन आपने क्या किया, मिस्टर शर्मा को भी क्रेडिट कर दिया 100 रुपए से और सेल को भी क्रेडिट कर दिया आपने 100 रुपए से। तो अब आपको इसे रेक्टिफाई करना है, ठीक है। तो अगर आपको अब इसे रेक्टिफाई करना है, तो आप ऐसे इसे कैसे करोगे आप रेक्टिफाई, तो आपने क्या किया, फॉर द टाइमिंग अभी आपको ये पता नहीं चला कि एरर क्या है, तो आपने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया था 200 रुपए का, है ना। अब आप ये समझिए, अब आपको ये पता चल गया कि ये 200 रुपये क्या चीज़ है, 200 रुपये ये चीज़ है कि जो आपकी सेल जो है ना, वो 100 रुपये से ये वाली जो सेल है ये तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सेल तो हुई नहीं, वो तो सेल रिटर्न थी। तो आपको सेल रिटर्न बुक करना है और सेल को हटाना है, तो सेल का क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ये आप देखिए इस तरफ है, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, तो सेल को हटाना है, तो सेल को हटाना है, तो मतलब सेल को हटाना है तो डेबिट मारना है, क्योंकि सेल का क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो ये मुझे हटाना है, तो ये मैंने 100 रुपये से हटा दिया। अब मुझे क्या करना है, सेल रिटर्न बुक करनी है 100 रुपए से, और क्योंकि मुझे सेल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सेल रिटर्न टू मिस्टर शर्मा, तो होना क्या चाहिए था, अब मुझे क्या करना है, सेल रिटर्न बुक करनी है 100 रुपए से, तो अब होना क्या चाहिए, सेल रिटर्न, ना, तो सेल रिटर्न मुझे डेबिट करना है कितने रुपए से, 100 रुपए से, ये भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये सस्पेंस अकाउंट मुझे पता चल गया है, तो ये सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस था वो डेबिट था, अब मुझे इसे हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टू सस्पेंस अकाउंट, है ना, सस्पेंस अकाउंट, तो मेरी एंट्री क्या बनी, तो सेल अकाउंट डेबिट, अब ये कितने से होगा, 200 से होगा, क्यों, क्योंकि पहले मैंने ये 100 रुपये सेल हटाया और फिर मैंने सेल रिटर्न बुक करी 100 रुपये, तो टोटल इफेक्ट कितना हुआ, 200 रुपये। अब मुझे ये पता चल गया, ये सस्पेंस अकाउंट में जो बैलेंस है ये 200 रुपये से आया, तो अब आप इस, अगर आप इस एंट्री के बाद अपना ट्रायल बैलेंस रिवाइज करोगे तो क्या होगा, अब 200 रुपये जो डेबिट था, अब हमने इसे क्रेडिट कर दिया, तो अल्टीमेटली ये जीरो हो गया, है ना। अब आप ऐसा समझिए, सेल जो क्रेडिट थी यहाँ पे 100 रुपये, अब हमने इसे डेबिट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमने अब इसे क्या करना है, क्रेडिट में से आपको डेबिट माइनस कर देना है, क्रेडिट साइड में से डेबिट माइनस कर दिया, अब सेल रिटर्न अलग से डेबिट हुआ 100 रुपए, तो आपको क्या करना है, डेबिट साइड में से प्लस कर देना है, तो अब आप देखिए आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा और जो हमारा एक्चुअल में शुरू में ट्रायल बैलेंस होना चाहिए था वही हो जाएगा, तो ये एंट्री बनती है। अब अपन चलते सेकेंड एडजस्टमेंट की ओर। एन अमाउंट ऑफ रुपी 150 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप हु रिटर्न द गुड्स। अब देखो इसमें होता क्या है, अब आप देखो सेल रिटर्न की एंट्री है, तो सेल रिटर्न की क्या एंट्री होनी चाहिए, तो एंट्री होनी चाहिए जैसे कि अभी मैंने आपको पहले समझाया था, एंट्री होती है सेल रिटर्न की, जो भी एंट्री होती है वो होती है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू मुझे किसने सेल रिटर्न करी, मिस्टर फिलिप में, तो क्रेडिट द गिवर, ठीक है, मिस्टर फिलिप क्या गिवर है, तो मेरा क्या होना चाहिए, एंट्री होनी चाहिए सेल रिटर्न, है ना, रिटर्न मतलब ट्रायल बैलेंस में क्या आना चाहिए, अगर 150 रुपये की सेल रिटर्न है ना, तो मेरे ट्रायल बैलेंस में 150 रुपये, है ना, आना चाहिए। अब
अब और क्रेडिट में क्या आना चाहिए, मिस्टर फिलिप आना चाहिए, मिस्टर फिलिप मेरे क्रेडिट में आना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया 150 रुपये से, ये एक्चुअल में होना चाहिए था, लेकिन अब क्या हुआ, एन अमाउंट ऑफ रुपी एंटर्ड इन द सेल रिटर्न बुक हैज़ बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप। मतलब होना क्या चाहिए था, मिस्टर फिलिप क्रेडिट, लेकिन मैंने क्या किया, गलती से इसे डेबिट पोस्ट कर दिया। मतलब ये गलती हो रही मेरे से, तो अब मैंने क्या किया, अब मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ। तो मैंने फॉर द टाइम बीइंग टैली करने के लिए मैंने एक नया अकाउंट खोल लिया जिसका नाम था सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, सस्पेंस, ठीक है। तो ये मुझे पता नहीं अभी क्या सस्पेंस है, अभी मुझे पता नहीं है सस्पेंस है ये तो मेरे लिए, ठीक है। तो मैंने फॉर द टाइम बीइंग ये खोल दिया। अब मुझे क्या करना है, अब आप समझिए, अब मुझे ये पता चल गया सस्पेंस क्या है। सस्पेंस ये है कि मिस्टर फिलिप जो डेबिट में 150 रुपये आ रहा है, इसे मुझे क्रेडिट में 150 रुपये लाना है। तो 150 रुपये डेबिट को पहले जीरो पे लाना है और फिर उसे क्रेडिट पे लाना है, मतलब एंट्री मुझे 300 से मारनी पड़ेगी। अब मुझे सस्पेंस अकाउंट पता चल गया, तो सस्पेंस अकाउंट को मुझे एलिमिनेट करना है। तो एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, है ना, है ना। तो एंट्री क्या हो रही, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हो गया, 300 रुपये से, है ना। अब मुझे ये पता चल गया क्या है, ये किधर क्रेडिट होना है, तो मिस्टर फिलिप में, तो मेरे एंट्री हो जाएगी टू मिस्टर फिलिप, है ना, टू मिस्टर फिलिप, तो ये 300 रुपये से एंट्री हो जाएगी। तो इसका मतलब आप समझिए, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट में क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट में आपका क्या होगा, डेबिट, ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में से डेबिट, डेबिट जो हमने किया है ये माइनस हो जाएगा, तो ये मैंने माइनस कर दिया। अब मिस्टर फिलिप में आप सोचिए, ठीक है, अब ये 150 रुपये डेबिट बैलेंस था, तो अब मैंने 300 रुपये क्रेडिट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 150 डेबिट में नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अल्टीमेटली क्रेडिट बैलेंस है। तो आप इसे क्या कीजिए, आप इसे उल्टी साइड पोस्ट कर दीजिए, है ना, आप इसे यहाँ पोस्ट कर दीजिए और साइन चेंज कर दीजिए बस, है ना। तो आपको ये करना है, है ना। तो इसका मतलब ये एंट्री भी अब हमने एकदम करेक्टली पास ऑन कर दी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप, ठीक है, और एंट्री अमाउंट 300 रुपये, बिल्कुल था ना, बिल्कुल सही बात है। तो ये एंट्री हमारी अब डल चुकी है। तो अब अपन चलते हैं थर्ड एडजस्टमेंट की ओर, है ना। थर्ड एडजस्टमेंट जो हमारे पास है वो है, अ सेल ऑफ ₹200 मेड टू मिस्टर घनश्याम वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द मिस्टर राधेश्याम एज ₹20। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसमें हमें तीन चीज़ें दे रखी है। अब अपन को एक एडजस्टमेंट अच्छे से समझनी है। अब इसमें क्या होता है, सेल ऑफ रुपी, ठीक है, 200 मेड टू मिस्टर घनश्याम वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, ठीक है। तो सेल की सबसे पहले एंट्री क्या होती है, सेल्स डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। मतलब रिसीवर कौन है, घनश्याम, और मेरी इनकम होती है सेल, तो मुझे सेल को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो एंट्री, ये मेरी ट्रायल बैलेंस की पोजिशन होनी चाहिए थी, घनश्याम 200 रुपये से और सेल्स होनी चाहिए थी मेरे पास बुक 200 रुपये से, ये होना चाहिए था। अब हुआ क्या, सेल ऑफ रुपी 200 मेड टू मिस्टर घनश्याम वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, मतलब ये सही से पोस्ट हुआ, बट wrongly posted to the debit of Mr. राधेश्याम। अब मैंने क्या किया, इसे गलती से राधेश्याम में पोस्ट कर दिया, ठीक है, ये राधेश्याम जी को मैंने ये पोस्ट कर दिया, राधेश्याम, ठीक है, राधेश्याम को मैंने ये पोस्ट कर दिया, कितने से, 20 रुपये से पोस्ट किया, लेकिन सिर्फ। तो अब आप ये समझिए, पहले तो राधेश्याम मैंने गलत पोस्ट कर दिया, ठीक है, अब मुझे इसी राधेश्याम की जगह क्या लाना है, घनश्याम लाना है, ठीक है। अब वो लाना है भी इतने से, घनश्याम मुझे 200 से लाना है, ना कि 20 से, ये जो 20 लाया है ना इससे नहीं लाना। अब मेरा जो ट्रायल बैलेंस होना चाहिए ना, देखो मैं आपको समझाता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, सस्पेंस अकाउंट में अभी कितना बैलेंस था, सस्पेंस अकाउंट में अगर मैं देखूँ तो 180 रुपये बैलेंस था, है ना, 180 रुपये बैलेंस था। अब मुझे ट्रायल बैलेंस एक्चुअल में बनाना क्या है, आप इसके लिए आप यहां पे आइए, एक्चुअल में मुझे बनाना क्या है ट्रायल बैलेंस, आप ये ऐसे समझिए, ठीक है, इसके लिए मुझे बनाना क्या है ट्रायल बैलेंस, ठीक है, मुझे इसको करेक्ट करने के लिए मुझे इसे घनश्याम बनाना है, है ना, इसे घनश्याम बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, घनश्याम, ठीक है, घनश्याम, ठीक है, घनश्याम बनाना है, 200 रुपये से ये बनाना है और सस्पेंस अकाउंट को मुझे एलिमिनेट कर देना है, ठीक है, और सेल मुझे 200 रुपये से रखनी है। तो ये जो हमारी फर्स्ट एंट्री, तो इसका मतलब क्या हुआ, घनश्याम को मुझे क्या करना है, 200 रुपये से डेबिट, सबसे पहली एंट्री क्या हुई, 200 रुपये से डेबिट करना है मुझे घनश्याम को। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, तो अगर आप देखो तो सबसे पहले घनश्याम को मुझे डेबिट करना है, तो मैंने 200 रुपये से घनश्याम को डेबिट कर दिया, ठीक है। अब फिर मुझे राधेश्याम का जो ये 20 रुपये है ना, ये हटाना है एकदम। क्यों हटाना है राधेश्याम का, क्योंकि ये तो मेरे से गलत पोस्ट हो गया, तो मैंने बोला टू राधेश्याम, ठीक है, टू राधेश्याम, है ना, टू राधेश्याम, तो ये मैंने 20 रुपये से पोस्ट कर दिया। अब आप देखो सस्पेंस अकाउंट में 180 रुपये, अब ये भी मुझे हटाना है, क्योंकि अब मुझे पता चल जाए ये तो घनश्याम है, ठीक है, तो टू सस्पेंस अकाउंट भी मैंने हटा दिया, टू सस्पेंस अकाउंट, तो एंट्री क्या बनी, राधेश्याम, ठीक है, 180। अब आप देखो इस अगर एंट्री को आप इफेक्ट देते हो यहाँ पे, तो इसका इफेक्ट क्या हो गया, सस्पेंस अकाउंट आपका जीरो हो जाए, क्योंकि डेबिट में अगर क्रेडिट माइनस होता है तो ये माइनस हो गया। अब ये डेबिट साइड है, राधेश्याम की डेबिट साइड है ये, तो अब मैंने क्या बोला, क्रेडिट हुआ राधेश्याम 20 से, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया। और फिर आप देखो अब नया अकाउंट खुल गया जिसका नाम है घनश्याम, ठीक है, घनश्याम,
कितने से? अब मैंने बोला ये डेबिट हुआ 200 से, तो ये 200 से डेबिट हो गया, तो इसका मतलब ये हमारी करेक्ट एंट्री पोस्ट हो चुकी है। तो आपको ऐसे समझना है इस ट्रांजेक्शन को। अब अपन चलते हैं थर्ड एडजस्टमेंट, हम ICICI स्टडी मैट से भी देख लेते हैं। तो मिस्टर घनश्याम टू राधेश्याम टू दिस, ठीक है। अच्छा, अब अपन को फोर्थ एडजस्टमेंट दे रखिए, बैड डेट्स एग्रीगेट इन 450 वर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स लेजर बट वर नॉट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये भी, आपको मैं समझाता हूँ ये कैसे होगा। तो आप ये समझिए, सबसे पहले बेड डेट्स की एंट्री क्या होती है। बेड डेट्स मतलब मेरा खर्चा, तो डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जब मैंने सेल करा था तो एंट्री क्या होती है? डेबिट द रिसीवर। लेट सपोज नमन रिसीवर था, तो नमन अकाउंट डेबिट टू सेल। अब मान लो नमन ने मुझे पैसा नहीं देना, तो नमन का जो बैलेंस अभी आ रहा है वो डेबिट में आ रहा है। अब मान लो वो बेड डेट हो जाता है, तो नमन का बैलेंस जो डेबिट में आ रहा है उसे अब हमें क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या हो रही है? बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू नमन, ठीक है। तो ये आपका एंट्री होती है, नॉर्मल जो एंट्री होती है ना बेड डेट्स की, तो ये क्या बनती है? बेड डेट है ना, बेड डेट की क्या एंट्री होती है? तो बेड डेट जैसे लेट सपोज 450 दे रखा है ना हमें, तो ये बनती है, लेट सपोज ये नमन हमारा डेटर था, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बेड डेट अकाउंट डेबिट टू नमन। ये आपकी जनरल एंट्री होनी चाहिए। लेकिन अब हुआ क्या? बेड डेट एडिटेड वर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स लेजर। अब इसका मतलब आप ऐसा मत समझिए, सेल्स लेजर का क्या मतलब है? सेल्स लेजर में आप ऐसे समझिए कि ये जो कस्टमर अकाउंट भी होता है ना सेल्स लेजर, सेल लेजर का इंपैक्ट क्या जाता है कस्टमर अकाउंट में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कस्टमर अकाउंट एकदम सही से पोस्ट हुआ है, मतलब ये एकदम सही पोस्ट हुआ है। क्या नहीं पोस्ट हुआ? बट वर नॉट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर, मतलब बेड डेट्स नहीं पोस्ट हुए, मतलब ये जीरो पोस्ट हो गया। आप इसे ऐसे समझिए कि है ना, वर रिटर्न ऑफ, ये रिटर्न ऑफ हुआ था, ये सेल लेजर में पोस्ट हुआ है, सेल लेजर के थ्रू ये कस्टमर लेजर में चले गए होंगे, क्योंकि सेल लेजर कस्टमर लेजर से एकदम लिंक होता है। तो इसका मतलब हमें ऐसा इंप्लीकेशन निकालना है कि सेल लेजर से कस्टमर लेजर में जा चुका है बट वर नॉट एंटर्ड इन द जनरल लेजर, लेकिन बेड डेट्स क्या हुआ? बेड डेट लेजर में नहीं बुक हुए। इसे आप ऐसे समझिए। तो अब आप समझिए, सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया यहाँ पे, है ना। सस्पेंस अकाउंट कितने से ओपन हो गया? 450 से। तो अब आपको क्या करना है? सस्पेंस अकाउंट को हटाना है और बेड डेट्स को लाना है। बेड डेट्स का क्या बैलेंस हो गया? डेबिट बैलेंस, क्योंकि है ना यहाँ पे देखिए बेड डेट्स क्या है? खर्चा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बेड डेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। बेड डेट अकाउंट डेबिट है ना, बेड डेट अकाउंट है ना, ठीक है। कितने से? 450 से। टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अगर आप ये एंट्री डाल दोगे तो आप खुद देखिए क्या इफेक्ट हो गया ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट आपका आप जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेबिट में से आप क्रेडिट माइनस कर दोगे, और डेबिट साइड में अगर आपने कुछ डेबिट किया तो प्लस कर दोगे, ऑब्वियसली बात है ना। तो ये आपने कर दिया, तो ये आपकी एडजस्टमेंट भी हो जाती है। अब अपन चलते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट की। द टोटल ऑफ द डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ सितंबर अमाउंटिंग टू ₹250 वॉज नॉट पोस्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये भी मैं समझा देता हूँ आपको। तो आप इसे ऐसे समझिए, तो आप सबसे पहले तो डिस्काउंट की एंट्री समझिए। डिस्काउंट मेरा क्या है? डिस्काउंट मेरा खर्चा है, ठीक है। तो डिस्काउंट मेरा खर्चा है, तो इसका मतलब क्या एंट्री होती है? डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट डेबिट होता है कितने से? ₹250 से, ठीक है। अब मान लो किसे मैंने डिस्काउंट दिया है, तो नमन को दिया है, तो क्रेडिट द गिवर, मतलब अब मुझे क्या करना है, ठीक है। जैसे मान लो डिस्काउंट मैंने, लेट सपोज मान लो जब मैंने सेल करी थी तो ₹1000 ही नमन को सेल करी थी, तो नमन टू सेल्स एंट्री हुई थी, फिर डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड इन। अब मान लो मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया, तो अब नमन को मुझे कम करना, तो एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू नमन। तो इसका मतलब नमन क्या हो रहा है इस एग्जांपल में? क्रेडिट। तो ₹250 से यह क्रेडिट हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है? डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट इज माय एक्सपेंस, तो डिस्काउंट टू है ना कस्टमर एंट्री होती है ना, आपको ऐसे समझना पड़ेगा इसे। तो अब उसमें हुआ क्या? द टोटल ऑफ द डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर द अमाउंट इन टू ₹250 वाज नॉट पोस्टेड। मतलब ये डिस्काउंट वाली जो है ये एंट्री ना, ये पोस्ट ही नहीं हुई, मतलब ये जीरो हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस रहा, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट में कितना बैलेंस रहा? ₹250। बिल्कुल सही बात है, ₹250 रहा ना ये, बिल्कुल है ना। तो ₹250 रहा, तो अब आपको ये कलेक्ट करना है, ठीक है। अब आपको ये कलेक्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? आपको पता है सस्पेंस अकाउंट हटाना है, डिस्काउंट लाना है, तो एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट है ना, टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस है ना, ठीक है, ठीक है, टू सस्पेंस अकाउंट है ना। आपको ये समझना है, बस सिंपल सी बात है। तो आप ये करीजिए, ठीक है, तो ₹250 से आप एंट्री डाल दीजिए, तो ये बड़ी सिंपल एंट्री। अब इसके बाद क्या होगा आपके इसमें? आप देखो ये ₹250 अभी जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डेबिट में से क्रेडिट माइनस किया, और डेबिट में डेबिट प्लस करते हैं हम, है ना, ये आपको पता ही है। तो बस ये अब हमारी इलस्ट्रेशन सॉल्व हो जाती है। तो ये अब हमारी, अब इसके बाद वाली जो इलस्ट्रेशन है ना, वो नए कॉन्सेप्ट के ऊपर है, तो मैं एक नई वीडियो बना देता हूँ। ओके।